एक बार रात में छत्रपति शिवाजी महाराज सो रहे थे। एक 13-14 वर्ष का बालक किसी प्रकार उनके सोने के कमरे में छिपकर पहुंच गया। उसने शिवाजी महाराज को मारने के लिए तलवार निकाली, किंतु जैसे ही तलवार चलाने के लिए उसने हाथ उठाया, तान्हाजी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज के विश्वासी सेनापति तान्हाजी ने उस लड़के को पहले ही देख लिया था और वे यह देखने उसके पीछे छिपे छिपे आए कि वह क्या करना चाहता है। शिवाजी महाराज की नींद टूट गई। उन्होंने बालक से पूछा, हे बालक, कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा और यहाँ क्यों आए हो? तो बालक ने कहा, मेरा नाम मालोजी है, मैं आपकी हत्या करने आया था। शिवाजी महाराज ने पूछा, अच्छा, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? बालक बोला, आपने मेरी कोई हानि नहीं की है प्रभु, लेकिन मेरी माता कई दिनों से भूखी है, हम बहुत गरीब हैं। आपके शत्रु सुभाग राय ने मुझे कहा है कि यदि मैं आपको मार डालूं तो वे मुझे बहुत धन देंगे। इतने में तान्हाजी बोले, दुष्ट लड़के, धन के लोभ में तू महाराष्ट्र के उद्धारक का वध करना चाहता है, अब मरने के लिए तैयार हो जा। बालक तनिक भी डरा नहीं, उसने तान्हाजी के बदले महाराज से कहा, हे प्रभु, मैं मरने से डरता नहीं हूँ, मुझे अपने मरने की चिंता भी नहीं है, लेकिन मेरी माँ बहुत दिनों से बीमार है और वो कई दिनों से भूखी भी है, हो सकता है उसकी मृत्यु भी हो जाए, तो आप मुझे एक बार घर जाने दीजिए ताकि मैं अपने माँ के चरणों में प्रणाम करके वापस लौट आऊं। मैंने आपको मारने का यत्न किया है, अब आप मुझे मार डालें, यह तो ठीक ही है, परंतु मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। तान्हाजी ने कहा, तू हमें बातों से धोखा देकर भाग नहीं सकता है। बालक बोला, मैं भागूंगा नहीं, मैं मराठा हूँ, मराठा झूठ नहीं बोलता। शिवाजी महाराज ने उसे घर जाने की आज्ञा दे दी। बालक घर गया। दूसरे दिन सवेरे जब छत्रपति शिवाजी महाराज दरबार में सिंहासन पर बैठे थे, द्वारपाल ने आकर सूचना दी, एक बालक महाराज के दर्शन करना चाहता है। वह वही मालोजी था। मालोजी ने दरबार में आकर छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम किया और बोला, महाराज, मैं आपकी उदारता का आभारी हूँ, माता का दर्शन कर आया हूँ, अब आप मुझे मृत्यु दंड दें। छत्रपति शिवाजी महाराज सिंहासन से उठे, उन्होंने बालक को हृदय से लगा लिया और कहा, यदि तुम्हारे जैसे वीर एवं सच्चे लोगों को प्राण दंड दे दिया जाएगा तो देश में कौन रहेगा, तुम्हारे जैसे बालक ही तो महाराष्ट्र के भूषण हैं। बालक मालोजी शिवाजी महाराज के सेना में नियुक्त तो हो गया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसकी माता की चिकित्सा के लिए राज वैद्य को भेजा और बहुत सा धन उसे उपहार में दिया। जय मराठा, जय छत्रपति शिवाजी महाराज।